हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक आईटी सेक्टर की धाकड़ कंपनी बताऊंगा जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आने वाले समय में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है, तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया है। आप लोग इसमें मंथली एसआईपी करना चाहते हो तो मंथली एसआईपी करो। लमसम पैसा लगाना चाहते हो तो भैया आप लोग लमसम भी पैसा लगा सकते हो। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, सर्विसेज अच्छे हैं, तभी जाके भैया वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके देता है। आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पर किसी कंपनी को जगह दो, वरना आप लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे। तो देखो भाई, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था वो 3186.60 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 4663.80 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है। हाफ ईयरली 3186 से 4663 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 3302.10 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 4771.70 चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 552.60 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 897.70 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हाफ ईयरली 552 से 897 हो चुका है भाई। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो एबिटा था वो 668.10 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 1005.60 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आप खुद भी यहां पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर था वो 480.60 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 773.10 हो चुका है। तो देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर है, 480 से 723 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 17 में जो पैट था वो 480.60 था मार्च 17 में, और मार्च 19 में देख लो 723.10 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा इसका रिपोर्टेड पैट है। तो भैया मुझे इसका हाफ ईयर रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ। पहले आप हाफ ईयर रिजल्ट देख रहे थे तो देखो भाई, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 4744.40 था मार्च 15 में, 4744.40 था, और मार्च 19 में देख लो भाई 8907.20 चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल्स है ईयर टू ईयर वाइज, 4744 से 8907 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 4833.18 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 9000
236.20 चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 954.90 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1723.10 चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 954 से 1723 हो चुका है भाई। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 1043.68 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 2052.10 चुका है और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस जो देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 772.96 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 1475.10 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है, 772 से 1475 हो चुका है भाई। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 773.60 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1475.10 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। L&T ग्रुप की कंपनी है भाई, तो आपका पैसा बनना तय है इस कंपनी में। L&T इन्फोटेक का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी है भाई वो L&T ग्रुप की कंपनी है, IT सेक्टर की कंपनी है। पहले भी मैं इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ। आज इसमें लगभग 4% की गिरावट देखी गई है। तो भैया कल मार्केट खुलते के साथ ही आप लोग L&T इन्फोटेक में पैसा लगा देना। L&T इन्फोटेक को किस किस इंडस्ट्री से ऑर्डर मिलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, यहाँ पे देख सकते हो CPG एंड रिटेल्स, हाईटेक, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और भी कई सारे इंडस्ट्री से भाई इनको ऑर्डर मिलती है। तो आप लोग इस कंपनी में पोजीशन बनाओ, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको ये इतना पैसा बना के देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। और भैया इसमें आपका पैसा भी सेफ रहेगा, डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया है इसका। L&T इन्फोटेक लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो IPO आया था वो जुलाई 2016 में आया था, 710 रुपए के प्राइस पे आया था। तो देखो ये कंपनी 1 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है, 1 ईयर रिटर्न है 6.98% आने, सेंसेक्स का रिटर्न है 12.53% आने, ईयर टू डेट में देख लो भाई ईयर टू डेट में रिटर्न है 2.57% आने, सेंसेक्स का रिटर्न है 10.02% आने, 1 मंथ में देख लो भाई 1 मंथ में रिटर्न है -1.06% आने, सेंसेक्स का रिटर्न है -0.08% आने, 1 वीक में देख लो 1 वीक में रिटर्न है 2.77% आने, सेंसेक्स का रिटर्न है 0.63% आने, 1 डे में देख लो भाई 1 डे में रिटर्न है -3.83% आने, सेंसेक्स का रिटर्न है -0.01% आने। L&T इन्फोटेक का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ भाई। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 74.8% होल्डिंग है, FIS के पास जो होल्डिंग है L&T इन्फोटेक में वो 7.71% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है 6.54% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 0.35% होल्डिंग है, अदर DA पर जो होल्डिंग है 0.23% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 10.37% होल्डिंग है,
कोई भी शेयर एलएनटी इन्फोटेक का प्लेस नहीं है भाई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एलएनटी इन्फोटेक का। पी रेशियो है एलएनटी इन्फोटेक का 21.07 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है एलएनटी इन्फोटेक का 6.53 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देख लो भाई, बहुत ही अच्छा इसका डिविडेंड यील्ड है, 1.41% का डिविडेंड यील्ड है। आरओसी लेटेस्ट देख लो, बहुत ही बढ़िया है भाई, 63.39% का आरओसी लेटेस्ट है। आरओई देख लो 30.97% का। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड, आरओसी, आरओई बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो भाई, वैल्यूएशन यहाँ पे देख लो फेयर बता रहा है। एलएनटी इन्फोटेक का फेयर जो वैल्यूएशन होगा वो 1343 से 1840 के बीच फेयर वैल्यूएशन होगा। तो भैया अभी ये स्टॉक फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, तो आप लोग पोजीशन बनाइए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया है इसका। क्वालिटी देख लो भाई, एक्सलेंट बता रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का वो 17.34% का है। एबिट ग्रोथ जो 5 ईयर का वो 26.92% का है। तो भैया मुझे इसका सेल्स ग्रोथ, एबिट ग्रोथ 5 ईयर का बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। आइए, 1990 रुपया 52 वीक लो है, 1438 रुपया 25 पैसा। सेंटीमीटर की बात करूं तो 73% बना है बाई कीजिए, 27% बना है सेल कीजिए। एलएनटी इन्फोटेक का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो भैया एक लार्ज कैप कंपनी है। पी जो है एलएनटी इन्फोटेक का वो 20.83 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 23.46 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले एलएनटी इन्फोटेक का पी कम है। बुक वैल्यू जो है एलएनटी इन्फोटेक का वो 271.62 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया इसका अर्निंग पर शेयर है, 85.01 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 1 का है। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, पहले शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेसना। बेल बटन प्रेस नहीं करोगे भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। धन्यवाद।